गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी 9th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर 8, दैट इज मोशन. ओके, वी हैव दैट फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 100. एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. एक ऑब्जेक्ट है जो उसने मूव किया है और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, जीरो है, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई है, मतलब उसने कुछ मूव ही नहीं किया है. इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल. और हमें क्या करना है, इसका आंसर देना है विद एन एग्जाम्पल. ओके, नाउ सो वी हैव एन आंसर दैट यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इवन वेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस. मतलब क्या बोला गया है कि हाँ, एक जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, और कब, जब उसने मूव किया हो. दिस हैपन वेन फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसाइड्स विद इट्स इनिशियल पोजिशन. और ये कब होगा कि जब उसकी फाइनल और इनिशियल पोजिशन एक ही होगी. मतलब सपोज ए पॉइंट पर गया, बी से आकर वापस ए पे आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो हो गई. क्यों, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर है, दूसरे पॉइंट पर वो गया ही नहीं है. सो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इफ़ अ पर्सन मूव्स अराउंड पार्क एंड स्टैंड्स ऑन वन प्लेस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, देन हेयर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. कि मतलब उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और घूम फिर के वो कहाँ आ गया है, पॉइंट ए पर ही आ गया है, तो वहाँ पे जाके उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. एज इट इज़ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन दैट, इसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है. बोला गया है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 meters. एक फार्मर है, उसके एक स्क्वायर है, उसकी चारों तरफ वो क्या करता है, राउंड लगाता है, ठीक है, और उसकी एक साइड कितनी है, 10 meters है. स्क्वायर मीन चारों साइड इक्वल होंगी, स्क्वायर अगर एक साइड 10 meters है तो चारों साइड्स कितनी की होंगी, 10 meters की होंगी, और वो वन राउंड इन 40 seconds. सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds. तो 2 minutes और 20 seconds के बाद फार्मर की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी, वो भी कहाँ से, इनिशियल पोजिशन से. सो वी हैव गिवन साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड दैट इज 10 meters. अगर एक साइड 10 meters है तो चारों साइड्स कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी, ठीक है. तो फार्मर ने पूरी जो बाउंड्री है वो कितनी, कितना मूव किया है, 40 seconds में मूव किया है, वो भी कितनी, पूरी बाउंड्री. अब पूरी जो बाउंड्री है उसने कितनी, 2 minutes और 20 seconds में कवर किया है. ओके, सो वी हैव दैट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 meters 20 seconds. तो 2 minutes and 20 seconds में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी. देखिए यहाँ पे हमें 20 seconds दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हमें पूरा टाइम किस में मिले, सेकंड्स में मिले. सो 2 into 60 seconds, क्योंकि एक मिनट में कितना होता है, 60 seconds होता है. सो 2 6 12, सो 120 + 20 कितना हो गया, 140 seconds हो गया. नाउ अब 40 seconds में जो फार्मर ने मूव किया है वो 40 meters किया है. इन 40 seconds फार्मर हैज़ मूव्ड हाउ मेनी मीटर्स, 40 meters. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देयर फॉर इन 1 second, तो 1 second में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 40/40 meters, 40 seconds हो गया, और ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया. सो स्पीड अपॉन डिस्टेंस, दैट इज़ 1 meter हो गया. सो देयर फॉर इन 140 seconds डिस्टेंस कवर्ड बाई फार्मर, दैट इज़ 1 into 140 meters, दैट इज़ 140 meters, ठीक है. मतलब उसने क्या किया कि एक सेकेंड में कितना किया है, 140 meters किया है, तो टोटल कितना हो गया, 140 meters हो गया. नाउ नंबर ऑफ रोटेशन टू कवर 140 अलॉन्ग द बाउंड्री. अब पूरी बाउंड्री का जो 150 किया है हमने वो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन पेरीमीटर, कि टोटल डिस्टेंस कितना है और उसका पेरीमीटर कितना है. सो टोटल डिस्टेंस इज 140 meters अपॉन द पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 40 meters. सो दैट इज डिवाइडेड बाय द आंसर विल बिकम हियर 3.5 rounds. सो द टोटल राउंड ऑफ द स्क्वायर फील्ड बाय द फार्मर कवर्ड, दैट इज 3.5 rounds, एंड दैट इज इन 40 minutes or 40 seconds. So here the answers will be completed. Next answers we will start in next video. Thank you.